शेर प्रताप बजाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सनातन धर्म सभा उत्तरी भारत। हाँ जी, और मैं इस श्री कटासरा तीर्थ यात्रा का संयोजक एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेश मंत्रालय ने मुझे यहाँ पर इसका जत्था लीडर नियुक्त किया है। क्या तो मैं ये यात्रा जो है हमारी आज से आरंभ हो रही है, 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये चलेगी। हम 19 तारीख को यहाँ वापस आएंगे, तो इसके दौरान में कल हम 14 तारीख प्रातः रात को स्टे हमारा लाहौर होगा और प्रातः काल जो है हमारी ये यात्रा आरंभ होगी, या श्री कटासराय के लाहौर से हम प्रातः चलेंगे, तो 14-15 वहाँ रहेंगे। इसके बाद हम फिर लाहौर लौटेंगे, तो लाहौर 2 दिन रहकर तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण मंदिर और श्री रामचंद्र महाराज जी के जो सुपुत्र हैं लव जी, उनका समाधि है किले के अंदर, वो हमने 6-7 साल हुए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके खुलवाई थी, तो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वो लाहौर में प्रोग्राम होगा। उसके बाद श्री कृष्ण मंदिर है वहाँ पर प्राचीन, वहाँ पर हमारा आयोजन होगा धार्मिक, और इसके बाद जो और भी वहाँ ऐतिहासिक लाहौर के अंदर है उनमें हमारे जो यात्री हैं वो वहाँ भाग लेंगे, तो हमारा 19 तारीख को हम वापस स्वदेश लौटे। कितने बंदे को वीजा लगेगा? देखो, हमारा इंडो पाकिस्तान जो प्रोटोकॉल 1974 है उसके अनुसार ऑल ओवर इंडिया से 200 हिंदू यात्रियों की हमें इजाजत है, क्योंकि इस बार जो वीजा लगा है वो 11 तारीख को लगा रात को, तो हमारे जो मैं 12 स्टेटों से मैं यात्री मेरे साथ जा रहे हैं, तो जो साउथ के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, एक मौसम खराब हो गया है, एक उनको इन्फॉर्मेशन बड़ी लेट पहुंचने के कारण, कोई बाई एयर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, तो बाई एयर आए हैं, तो इस तरह से परेशानियां हो रही हैं, ये तो शाम को ही पता लगेगा, या ना सॉरी ये अब हम जाएंगे बॉर्डर पर कितने यात्री इकट्ठे हुए वो सभी पूरी तादाद वहाँ पता लग। अगर मंदिर की बात की जाए, कटासराय मंदिर की, हालात जो है वो काफी खराब है वहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, अर्जी डाली जाएगी कोई? देखो, हमें कोई हालात की हमें कुछ किसी नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है ना, ये मंदिर की बात कर रहे हैं कि मंदिर के जो हालात है, पेंट उखड़ा हुआ है, दीवारें जो खराब नहीं, कोई वहाँ बड़ी डेवलपमेंट की गई है, कोई गलत आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है? प्राचीन हजारों साल का तो वो मंदिर है, खंडरात है वो, वहाँ हिंदू तो है ही नहीं कोई, उखड़ी क्या इसमें कोई बात ही नहीं है, वो हमने तो डेवलपमेंट कराई नवाज शरीफ के 5 साल उन्होंने कमाल कर दी है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मंदिरों की हालत है उससे बेहतरीन कर दी है। 192 मंदिर थे खंडरात थे 1947 में, जो अपना वहाँ पर जेलम डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 192 मंदिर थे, जो सारे चारों तरफ 202 किलोमीटर के अंदर हमारा फैला हुआ है, एक मंदिर नहीं है, वो गलतफहमी पता ही नहीं है लोगों को, 192 मंदिर है, विशाल दोनों तरफ पहाड़ है, दरमियान में श्री अमर का जल बहता है, उनको पता ही नहीं, यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि एक मंदिर होगा उसमें ये हो खड़े पड़े, नो आपको बता रहा हूँ इतने मंदिर हैं इस वक्त, जो को खंडरात थे उनको बेहतरीन शक्ल दी गई है, वहाँ पर गुम्बद बन गए हैं, उनके ऊपर कलश लग गए हैं, आप अंदाजा लगाइए, जो हमारे भारत में नहीं है, मैंने वहाँ करवाया है नवाज शरीफ के टाइम में, रिक्वेस्ट ये कर रहे 5 साल के उसे बहुत किया है, इवन जो श्री अमरकुंड था उसके अंदर, जो श्री अमरकुंड है उसके जाकर अपना सफाई करने के लिए, पानी को स्पर्श करने के लिए वहाँ पर उन्होंने प्रबंध किए, नवाज शरीफ खुद श्री कटासराय गए समय पे उन्होंने फायर लगाया। वीजा प्रणाली के बारे में क्या कहना चाहिए? तो इस प्रकार से वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक वही प्रभु की कृपा से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो प्राचीन उसकी शक्ल सूरत थी वो उसे कायम किया है गवर्नमेंट से मिलकर, हम मतवातर आप देखो जदोजहद कर रहे हैं 37 साल से पूरी, 1982 पहला जत्था गया था, 20 रुकनी सिर्फ 20 लोग गए थे, क्योंकि जंगल था वहाँ, बियाबान था, हिंदू तो रहता नहीं वहाँ कोई भी, सिर्फ सिंध के लोग रहते हैं, वेस्ट पंजाब में जो पाकिस्तान का है उसमें बहुत कम हिंदू है, वहाँ जाने मुश्किल था, दूर दराज जंगल में है, तो मैं उनका मशकूर हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का खासकर, और भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का, कि जिन्होंने दोनों ने प्रयोग हमारे बातें मानी है, डिमांडें जो हमें केंद्रीय स्वास्थ्य भारत की तरफ से रखी आई है काफ़ी तक का, हमें उसके मुतमईन है, धन्यवाद। जी मेरा नाम मनु सिरोही है, गाज़ियाबाद से। क्या कहना चाहते हैं आज कटासराज के लिए? बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कटासराज जाने का मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उल्लास है इस बात का कि भगवान शिव के उस धाम में जाने का मौका मिल रहा है जो 47 में हमसे बिछड़ गया था, बहुत खुश हैं हम, बहुत प्रसन्न है। माहौल जैसे गर्म है थोड़ा बहुत उधर का इधर का, लगता थोड़ा बहुत डर दिल में लगता है कि बस ऐसे ही भगवान के, हमसे ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों को डर था, हमें कोई डर नहीं है, बाबा ने बुलाया है तो मन में पूरा विश्वास है कि यात्रा सफल होगी और यात्रा हमसे वापस। देख रहे हो पटियाला टीवी।
ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ।